हेलो हेलो यस सर। ओके सो ये विजिबल है सभी को। पीपीटी सभी को शो हो रहा है। हेलो यस सर, शो हो रहा है। यस सर, सो हो रहा ओके सर। ठीक है। तो क्या था हमारा कैंटिलीवर बीम था पहले जो मैंने एक देखा था। मैंने क्या देखा था पहले हम लोगों ने देखा था कि एक कैंटिलीवर बीम था जिसपे होल स्पैन पे क्या यूडीएल लगा हुआ था। ठीक है, अभी क्या है हमारा एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे क्या लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। तो पॉइंट लोड जो है वो कैसे एक्ट करेगा। अच्छा सपोज, सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं रिएक्शन निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ए पॉइंट पे रिएक्शन निकाल दे रहा हूँ। ए पॉइंट पे रिएक्शन निकालना चाहता हूँ तो कितना रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिमेशन एफ वाई इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। हेलो इक्वेशन लगा के निकालेंगे सर। हाँ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाता हूं तो क्या यहां से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू लेंथ कितना है टोटल, ये एल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस ये तुम्हारा कितना है, डब्ल्यू रन कर रहा है स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल L/2, तो ये कितना हो गया टोटल जाके, मीन्स ये डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू L²/2। ठीक है, ये टोटल आ गया तुम्हारा कहाँ पे, ये टोटल जो भी तुम्हारा लोड लगेगा वहां कहाँ पे आ जाएगा, ये तुम्हारा इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मतलब ए पॉइंट पे टोटल आ गया। अभी इसका हम क्या निकालते हैं, शियर फोर्स डायग्राम निकालते हैं। शियर फोर्स डायग्राम निकालने क्या क्या निकालेंगे, लोड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, लोड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, तो लोड इंटेंसिटी तुम्हारा टोटल कितना है, लोड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस तुम्हारा हो गया इसमें, सॉरी बेंडिंग मोमेंट में, इसमें टोटल कितना लोड इंटेंसिटी काउंट किया जाता है किसमें, शियर फोर्स में। तो तुम्हारा अगर मैं किसी सेक्शन पे ले लूं, सपोज एक्स एक्स सेक्शन है यहाँ पे, तो एक्स एक्स सेक्शन पे मैं जब मैं निकाल रहा हूँ और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, एक्स है। ठीक है, एक्स है तो क्या हो जाएगा, SX=W, ये जो यूनिट रन हो रहा है ये छोटा वाला डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स, एक्स कौन सा, ये डिस्टेंस डब्ल्यू इंटू एक्स पे लग रहा है टोटल यहां से यहां तक का। ठीक है, प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन क्या लग रहा है हमारा, डब्ल्यू लग रहा है, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तुम्हारा किस पॉइंट पे आ गया, अभी ये सेक्शन एक्स एक्स पे हम लोगों ने क्या निकाला, शियर फोर्स निकाला। अब इसको हम वेरी करा रहे हैं, मीन्स पॉइंट बी से लेके अगर ए तक वेरी कराते हैं तो क्या है, कंडीशन लगाएंगे, मीन्स X=0 पर एस एक्स क्या आएगा, मीन्स एस एक्स यहाँ का जीरो हो जाएगा तो ये पॉइंट बी ही रहेगा, तो बी पे क्या आ जाएगा तुम्हारा टोटल डब्ल्यू, क्योंकि एक्स हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, डब्ल्यू बचेगा, केवल पॉइंट लोड एक्ट करेगा। ठीक है, फिर अगर हम एक्स को क्या करते हैं, एल तक वेरी कराते हैं, अगर एल तक वेरी कराएंगे तो यहाँ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, अगर एल रख देंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल प्लस कैपिटल डब्ल्यू, ये तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, ए पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट पे जाएगा। अब इसका फिगर बना दो, फिगर हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनता है इसका, मीन्स इंक्लाइंड भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है, बट इसका स्ट्रेट बनता है। तो कैसे बनना है तुम्हारा, बी पॉइंट पे क्या है, डब्ल्यू लोड लग रहा है तो डब्ल्यू इंटेंसिटी हो गया तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कहाँ पे है, ए पॉइंट पर, मीन्स एक्स का वैल्यू कितना है, एल है, मीन्स एल रन पे कितना बनेगा तुम्हारा, लास्ट में जाके यहाँ पे
लास्ट में बनेगा डब्ल्यू एल प्लस कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में बनना है, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। हेलो, यस सर, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, हम लोग सभी लोग पढ़ चुके हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या पॉजिटिव बनता है, ठीक है। अगर यही नीचे से लोड लगाया जाता है, इसी इस साइड से लोड लगाया जाता है हमारा, इस साइड से लोड लगाते हैं तो क्या होता है, ये नेगेटिव बनता है, ये नीचे बनता है, बट ये ऊपर से लोड लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव मीन्स अपोज कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा अपोज कर रहा है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ किस पे, बेंडिंग मोमेंट पे। बेंडिंग मोमेंट पे हम लोग क्या है, किसी सेक्शन पे अगर निकालना चाहेंगे तो कितना होता है, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना मीन्स कितने डिस्टेंस पे लग रहा है ये, तो क्या हो जाएगा। पहला अगर मैं यहाँ पॉइंट सॉरी यूडीएल को ही कंसीडर कर रहा हूँ पहले, तो यूडीएल को कंसीडर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू कितने हाफ डिस्टेंस पे भी लगेगा, डब्ल्यू इंटू एक्स टोटल इंटेंसिटी हो गया, इतने डिस्टेंस पे लग रहा है जो पॉइंट, उसके बाद किस डिस्टेंस पे एक्स वाई टू पे ये मीन्स एक्ट करेगा, मैक्सिमम कितना एक्ट करेगा डब्ल्यू एक्स, ये पॉइंट लोड में इसको हम कन्वर्ट कर दिए। अच्छा डब्ल्यू इंटू एक्स जो आता है उसको समझते हो क्या है ये, हेलो हेलो सर, लोड है, यस सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, यस सर, हाँ उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स वाई टू पे लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। प्लस क्या लग रहा है, हमारा एक पॉइंट लोड भी लग रहा है, पॉइंट लोड क्या लग रहा है, डब्लू प्लस डब्लू इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स पे लग रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कैपिटल डब्लू इंटू एक्स। अब इसको वेरी करा दो यहाँ से बी से लेके ए तक, तो अगर एक्स रखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ए बी पर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सिंपल जहां पर फ्री मोमेंट फ्री एंड होता है, फ्री एंड पे मोमेंट हमारा नहीं लगता है, मोमेंट हमारा कहाँ लगता है, फिक्स पे लगता है ना, हेलो, मोमेंट हमारा कहाँ लगता है, फिक्स पे लगता है, मीन्स फिक्स एंड मोमेंट हो गया ये। अभी हम लोग फ्री एंड मोमेंट भी पढ़ेंगे आगे चल के, फ्री एंड मोमेंट भी पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फिक्स एंड मोमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका टोटल मीन्स मैक्सिमम मोमेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, मैक्सिमम हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू एल। अब मैक्सिमम शियर फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम शियर फोर्स हो जाएगा डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है, ये आ गया समझ सबकी को, हेलो, यस सर, ठीक है। अच्छा इसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हेलो सर, माइनस सर, माइनस कैसे है वो पूछना, माइनस प्लस अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि जब क्या होगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, जब क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर देखे थे, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं, सॉरी एक मिनट, ये देखो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब तुम्हारा क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा राइट लेफ्ट साइड में, ठीक है, सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर तुम्हारा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये किसके लिए, शियर फोर्स डायग्राम है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब हमारा मोमेंट जो है लेफ्ट साइड, सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन का हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का हो, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। एंड वही राइट साइड में क्या है, सेक्शन के राइट साइड में अगर ये क्लॉकवाइज है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हेलो, यस सर, क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी एक ये है हमारा, कौन सा है, कैंटिलीवर
ऑफ लेंथ एल कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट रन फॉर ए लेंथ और डिस्टेंस ए फ्रॉम फ्री एंड, मीन्स यहाँ पे हाफ डिस्टेंस या कुछ डिस्टेंस पे तुम्हारा क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, ठीक है, मीन्स ये फुल स्पैन पे यूडीएल नहीं लग रहा है। अगर फुल स्पैन पे यूडीएल लगता तो मेरा पिछला जो एक केस था वो केस में हो जाता है, बट यहाँ पर हाफ में ही लग रहा है, तो हाफ में लग रहा है तो क्या करेंगे उसके लिए, अभी इसके लिए क्या करेंगे, मीन्स यहाँ पर हम अलग अलग सेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्शन मान लेंगे, मीन्स एक बीम हम मान लेंगे सी बी और एक मान लेंगे ए सी, ठीक है, ये दो बीम हम मान लेंगे, तो यहाँ पर पहले क्या ले लिया है फ्रॉम सेक्शन बी टू सी, मीन्स बी से लेकर सी तक वेरी कराएंगे, उसके बाद फिर क्या वेरी कराएंगे सी से लेके ए तक वेरी कराएंगे, ओके, तो यहाँ पर दो वेरिएशन होगा, तो पहले वेरिएशन में क्या है, पहले सपोज मैंने एक सेक्शन माना एक्स एक्स, यहाँ पर एक सेक्शन एक्स एक्स माना मैंने, ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना है एक्स है, यहाँ से लेके इस सेक्शन तक का डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर शियर फोर्स हमारा क्या हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, या फिर टोटल, अच्छा इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट में, यहाँ पे क्या है टोटल इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी कितना है तुम्हारा W पर यूनिट रन हो रहा है कितना दूरी पर x दूरी पर, तो टोटल इंटेंसिटी कितना आ जाएगा W इंटू x, यही तो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हेलो फोर्स या फिर हमारा जो भी लोड इंटेंसिटी है वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, अच्छा इतना है, उसके बाद अभी इसको हम वेरी करा दे रहे हैं, सपोज वेरी कराते हैं बी से लेके सी तक वेरी कराना है, ठीक है, तो अगर एक्स हम रखते हैं जीरो तो कितना जाएगा है बी पर हमारा जीरो हो जाएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू ए रखते हैं मीन्स ये यहाँ तक का सी तक माना है ए माना है इसको, ठीक है, तो ए तक रखते हैं तो डब्ल्यू इंटू ए हो जाएगा, एंड फ्रॉम सेक्शन सी टू ए, सी टू ए कितना मीन्स यहां से लेके सी टू ए, अभी सी टू ए क्यों W into ये क्यों है, हेलो हेलो ये यस सर W into A क्यों रखा हुआ है सेक्शन सी, सर वो पॉइंट सर वो कांस्टेंट है इसीलिए, उसके बाद सर उसका भी लोड कंसीडर करेंगे ना, अच्छा अमित क्या वो अमित कुछ बोल रहा था, अमित यस सर कंसंट्रेटेड लोड सर वो पॉइंट लोड जैसा एक्ट करेगा सर उसलिए, यस 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 पॉइंट लोड एक्ट करेगा, क्योंकि अभी मेरा देखो इस सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा ये जितना भी लोड था ये हमारा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहां अभी टोटल सी पॉइंट पर एक्ट करेगा, कितना एक्ट करेगा W इंटू कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ था A डिस्टेंस पे, तो ये अभी एक पॉइंट लोड की तरह यहाँ एक्ट करेगा, मीन्स ये कौन सा कंडीशन बन जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगा जो अभी हम पीछे कौन सा बताए हैं, ये कंडीशन कुछ ऐसा बन जाएगा, इस साइड का कंडीशन बन जाएगा, यहाँ पे सपोज मान लो ये C हो जाएगा, ठीक है ये सी हो जाएगा और ये ए रहेगा, अब इस टाइप का एक कंडीशन हो गया, मींस इसके आगे हम अभी जो लोड लग रहा था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था वो यहाँ पे टोटल आ गया, ये ए डिस्टेंस लग रहा था तो डब्ल्यू इंटू ए, यहाँ पे ये अभी लोड इंटेंसिटी हो गया, ठीक है आएगा समझ में, यस सर तो ये बट उसका ये लेंथ तो सर एल एल तो मतलब एल टू ए के बराबर दिया हुआ कुछ नहीं ना है सर उसमें, नहीं 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 एल टू ए के बराबर नहीं है, ये यहाँ से लेकर हमारा कितना लेंथ है टोटल, ये यहाँ तक क्या है, नहीं सर मतलब ए जो इधर डिस्टेंस दिया हुआ तो लेफ्ट साइड भी ए डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है, मतलब बराबर है कि कम या ज्यादा है, ये टोटल ए है ठीक है टोटल सॉरी एल है, हेलो हेलो
यस सर। ठीक है, ये कितना है तुम्हारा डिस्टेंस टोटल? हेलो, एल डिस्टेंस है सर टोटल। एल डिस्टेंस है, ठीक है, तो एल डिस्टेंस है। अभी हम क्या मानते हैं, ये टोटल एल डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक एल डिस्टेंस है, यहां से लेके कितना यहां तक डिस्टेंस एल है, बट ये टोटल तुम्हारा डब्ल्यू इन टू ए ही आ रहा है, तो टोटल लोड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ए पर। ये टोटल लोड तुम्हारा किस पर ट्रांसफर हो जाएगा? ए पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो एल तो हमारा वैसे ही रहेगा, हमारा मीन शियर फोर्स में हम किस में कैसे देखते हैं, हम केवल लोड इंटेंसिटी में काउंट करते हैं। यस सर, लोड इंटेंसिटी काउंट करते हैं, ठीक है, तो हमारा इतना ही रहेगा। अभी जब नीचे हम वहां पे देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तब वहां पे हमारा L में से A माइनस कर देंगे, अगर C टू A। यस सर, A माइनस करेंगे उसमें। A माइनस करेंगे हमारा किस में? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ठीक है। बट शियर फोर्स में हम क्या काउंट करते हैं? इंटेंसिटी देखते हैं, मीन्स लोड इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक है। अभी समझ में आया परमानी? यस सर। ओके, ठीक है, तो मैं इसमें बढ़ता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। अगर मैं एक सेक्शन मान लू बी टू सी, बी टू सी अगर सेक्शन मानते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? डब्लू इंटू एक्स बाई टू। अगर किसी सेक्शन पे ले रहे हैं, यहाँ जैसे एक्स, सॉरी यही पे देखते हैं, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन माना हूँ एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स, तो यहाँ पर अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालने जा रहा हूँ, यहाँ के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालने जा रहा हूँ, तो एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो इंटेंसिटी नहीं लग रहा है कितना, माइनस हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस एक्स बाई टू। एक्स बाई टू मीन्स ये इंटेंसिटी कितना, कितने दूरी पर ऐड करेगा? एक्स बाई टू पर ऐड करेगा, ठीक है। फिर ये तो हो गया सी मीन से किसी सेक्शन पे होगा, अगर सेक्शन को हम वेरी कराते हैं तो सेक्शन को वेरी कैसे करा रहे हैं? एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं तो हमारा बी पर कितना जाता है? जीरो बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। बट वही अगर एक्स की जगह ए रखें, मीन बी से लेकर ए तक वेरी करा देते हैं, तो कितना आता है हमारा? डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू माइनस में, ठीक है। अभी देखो, अभी ये कंडीशन आया जो तुम लोग बोल रहे थे, C to A अगर मैं क्या करूं, यहां पर वेरी करा रहा हूं, C से लेकर A तक वेरी करा दे रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर लोड इंटेंसिटी अभी काउंट करो कितना हो जाएगा? हेलो, 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 यस सर। अभी यहाँ पे काउंट करो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम mx निकालना चाहें किस सेक्शन में? a से लेके कहाँ? c से लेके a तक अगर यहाँ निकालना चाहेंगे, तो टोटल इंटेंसिटी हमारा लोड का कितना था? लोड का इंटेंसिटी अगर माइनस में देखो तो w a इंटू कितना लग रहा है डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे लग रहा है, मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई सेक्शन ले लू, अगर मैं कोई सेक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, इस सेक्शन लेता हूँ x, यहां से लेकर ये इस पॉइंट पे कोई सेक्शन है। हेलो, हेलो, यस सर, ठीक है, अगर मैं यहां से सेक्शन ले ले रहा हूँ, c से लेकर a पॉइंट के बीच में एक सेक्शन ले लिया, c से लेकर यहाँ पर x, तो मेरा कितना लोड आएगा? W इंटू ए, पहले ये लोड इंटेंसिटी लग रहा था, यहाँ टोटल आ गया, ठीक है, तो W इंटू ए इंटू कितना डिस्टेंस पे लग रहा है? X डिस्टेंस पे, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे हम? प्लस माइनस तो है ही है, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस अभी फिर नीचे की तरफ लग रहा है तो कितना हो जाएगा? W इंटू ए इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा था लोड हमारा? ये वाला a by 2 पे लग रहा था, ठीक है, तो इसमें कॉमन कितना हो गया हमारा? wa अगर कॉमन हो गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम ले लें कॉमन इधर,
तो माइनस डब्ल्यू ए अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में माइनस बचेगा और ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस रहेगा, ठीक है, माइनस प्लस। अगर माइनस कॉमन ले लिए तो कहाँ इतना बचा, यहाँ पर x बचा और माइनस ए बाई टू बचा, ठीक है, वही तो लिखा है यहाँ पे, आया समझ में? हेलो, यस सर। इसको क्या करते हैं, हम वैरी कराते हैं। वैरी कब कराएंगे, हम x इक्वल टू l रखते हैं, x इक्वल टू l रखेंगे किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। तो देखो यहाँ पर एक x के प्लेस पे l रख दिए तो कितना आ गया, माइनस डब्ल्यू ए इंटू एल माइनस ए बाई टू, ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया और ये हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स हो गया। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आएगा, डब्ल्यू इंटू ए आएगा, बट कहाँ पे आएगा, वो हमारा बी पॉइंट पे तो जीरो होगा शियर फोर्स, और सबसे मैक्सिमम होगा हमारा सी पॉइंट पर, कितना होगा, डब्ल्यू इंटू ए। ये कहां से कहां तक वेरी करता है, ये वेरी करता है सी टू लेकर ए तक वेरी करता है और ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसी तरह इसमें देखो, इसमें भी वैसे ही है, इसमें क्या है, हमारा जितना पोर्शन पे यूडीएल लग रहा है उतना पोर्शन पे कर्व बनेगा, कर्व होगा, पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है, बट उसके बाद मेरा ये इंक्लाइन डायग्राम बनेगा। इंक्लाइन क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड यहाँ पर वेरी नहीं कर रहा है, केवल सी पॉइंट पर लोड लग रहा है, वही कहाँ तक जा ट्रांसफर हो रहा है, ए तक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ओके, यस सर, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर अभी क्या है, ये वायरिंग लोड लग रहा है हमारा, वायरिंग लोड अभी हम देख लिए, पहले देखे हैं, इंटेंसिटी वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो टू फ्री एंड, या फिर मींस जीरो से लेकर हमारा कहां तक जा सकता है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारा बी पर जीरो लग रहा है और फिक्स जो फिक्स सपोर्ट है, जहां पर फिक्स एंड है, वहां पर मैक्सिमम लग रहा है, मींस उसको बियर कर रहा है। अच्छा, इस टाइप का तुम लोगों ने कभी स्ट्रक्चर देखा है, कभी स्ट्रक्चर देखे हो इस टाइप का सर, जो रैंप रहता है या स्टेयर, ये स्टेयर्स रहता है सर, वो, हाँ वो भी रहता है। और कभी हम लोग क्या करते हैं, एक केबल से किसी भी प्लेस को पकड़ के टान के रखते हैं, वो देखे हो, मींस किसी भी, जैसे एक ये हो गया, हम यहाँ पे बनाते हैं, वो तो इलेक्ट्रिक पोल को सर, हाँ उसी टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक पोल के टाइप ही होता है, वो भी टान के रखता है। तो सबसे मैक्सिमम उसका लोड कहाँ पे आता है, जहां पे तुम्हारा फिक्स एंड होगा वहां पे लोड आएगा, है ना। या फिर कभी क्या करते हैं, हम वायरिंग सेक्शन पे लोड लगाते हैं, अगर लोड लगाते हैं तो कम करते हुए लोड जाएंगे, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक लाइन में हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को खड़ा कर दें, मींस एक स्लेब पे, और उसपे क्या कहे कि काउंट करो कि मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोड कितना है, वो भी एक इस पे एग्जांपल हो जाएगा। या फिर घर में हम एक पर्लिन निकालते हैं तो उसमें देखते हो कि एंड पॉइंट तक हमारा क्या होता है, थोड़ा टैपर्ड कर देते हैं। टैपर्ड क्या होता है, कल हम बताए थे पिछला क्लास में, मीन्स उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो हम कम करते जाते हैं। हेलो, यहाँ पर 11 yes, sir. हो बट बोल नहीं रहे हो कोई, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, टैपर्ड करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सभी लोग शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो ना, क्योंकि सभी लोग को आई थिंक मालूम होगा ट्रेपेजॉइडल का, तुम लोग को मालूम है ना एरिया कैसे निकाला जाता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है मालूम है ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाँ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है, उसी टाइप से यहाँ निकाल सकते हो आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे जीरो है और यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे है और ये सेक्शन हो गया एक्स एक्स, ठीक है।
ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस कितना हो गया, बेस हो गया मीन्स पहले देख लो इंटेंसिटी कितना लग रहा है, इंटेंसिटी लग रहा है डब्लू इंटू एक्स, डब्लू इंटू एक्स का इंटेंसिटी लग रहा है, तो यह क्या हो जाएगा तुम्हारा हाफ इंटू डब्लू इंटू एक्स इंटू, और डिस्टेंस कितना है टोटल हमारा इंटू, हेलो एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, बट ये जब वेरी करा रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल लोड का ले रहे हैं तो W डिवाइड बाई L, L क्या है यहाँ पे लेंथ, टोटल लेंथ कितना लग, कितने पे लग रहा है, इसका फॉर्मूला टोटल क्या हो गया W x स्क्वायर बाई 2L, ये हमारा इंटेंसिटी हो गया टोटल, इतना ये जो लोड लग रहा है इसका इंटेंसिटी हो गया, इंटेंसिटी कितना हो गया W x स्क्वायर बाई 2L मीन्स इतना पोर्शन का, केवल x पोर्शन का, x पोर्शन का हो गया। अब इसको हम वेरी करा देते हैं B टू A, अगर B टू A वेरी कराएंगे तो यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे तो हमारा B पर तो जीरो हो जाएगा और A पर कितना हो जाएगा W L बाई 2, क्योंकि अगर हम यहाँ पर L रखते हैं तो कितना हो जाएगा W L स्क्वायर बाई 2L, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा W L बाई 2, ठीक है। और ये कैसा बनेगा, ये पैराबोलिक कर बनेगा क्योंकि ये वायरिंग है, मीन्स तुम्हारा क्या है ये लोड जो है वेरी कर रहा है पॉइंट B टू A तक, ये वेरी कर रहा है मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। सर वो L कैसे है सर, एक बार और बता दीजिए ना सर, कौन सा L? हाँ सर, देखो एक मिनट को, L ऐसे आया दोबारा, देखो यहाँ पर तुम्हारा इसका वो निकालो, एरिया निकालो, एरिया कितना आ जाएगा इसका, सो द हाफ इनटू डब्ल्यू इनटू एक्स हो जाएगा ना सर, हाफ इनटू डब्ल्यू इनटू एक्स, एक्स हाफ इनटू W into X, बट ये इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी W इंटेंसिटी से लग रहा है, हेलो यस सर, W इंटेंसिटी से लग रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस पे लगेगा अगर इस इधर इस साइड से देखें या इस साइड से देखें, तो ये हमारा एक आता है 2 बाई 3 पे लगता है और कितना लगता है 1 बाई 3 पे लगता है, ये मालूम 1 बाई 3 पे, यस सर, 2h by 3 या 1h by 3 ये मालूम है ना, यस सर, इसको अगर इस तरह अगर हम काउंट करेंगे तो इस साइड से देखते हैं तो इस साइड से कितने पे एक्ट करेगा 2h by 3 की h by 3 h by 3 h by 3 h by 3 तो h यहां कितना ले लिए हैं x, x ले लिए हैं, टोटल कितना है x है ना, यस सर x है, ठीक है, तो यहाँ पे रखो इसको, कितना आ जाएगा लोड, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हेलो सर, तब तो हो जा रहा सर डब्लू एक्स स्क्वायर बाय 6 हो जा रहा, एक मिनट इसका जानते हो अमित, हेलो यस सर, ये इसका फॉर्मूला ही ऐसे ही है, ठीक है, इसका फॉर्मूला में ही आता है एल,
एल डिस्टेंस से टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कवर कर लिया है, बट ये खाली यहाँ क्या है, ये एक्स वैरी कराएगा बस, ठीक है, यहाँ पर केवल एक्स वैरी कराएगा, क्योंकि ये जो भी लोडिंग है ये वैरी करते ही जा रहा है, ठीक है, कहाँ तक वैरी कर रहा है, एल तक वैरी कर रहा है, मीन्स बी ए पॉइंट तक वैरी कर रहा है, तो ये वैरी करता जाएगा, तो जो नीचे में हम ये लेंगे तो ये तो एल ही लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ये पूरा बन रहा है ये तो हमारा उतना ही आ रहा है, कौन सा डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू क्या है, इंटेंसिटी हो गया किसका, अगर हम एक यूडीएल के फॉर्म में देखें, ठीक है, अगर यूडीएल के फॉर्म में देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू वन बाई एल, क्या लगाया है ये, जब यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड लग रहा है तो वन बाई एल लगाया है, ठीक है, यस सर, ये वेयरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए वन बाई एल लगाया है फॉर्मूले में, इसको एक बार देख लेना, ठीक है, देख के मैं भी बता दूंगा कितना क्यों ये एल वन बाई एल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, यस सर, मैं इसको बता दूंगा, हाँ, जैसे यहाँ पर मेरा लग रहा है टू बाई टू एच बाई थ्री और वन एक्स बाई थ्री लगना चाहिए, ठीक है, तो ये किस लिए आ रहा मैं ये बताऊंगा, ठीक है, इसको मैं नोट कर ले रहा हूँ, क्या है एक्स एक्स इक्वल टू डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू एल, ठीक है, मैं इसको नोट कर लिया हूँ, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम, उस देखो इसमें भी वही लगाया है डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू एल, आइए कितना डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे लगा दिया है जब हमारा क्या निकाला है, अच्छा हेलो, इसमें बेंडिंग मोमेंट में डिस्टेंस लेना सर, उसमें बेंडिंग मोमेंट में हम पहले ही बोल रहे थे कि इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी काउंट किया जाता है शियर फोर्स में, और बेंडिंग मोमेंट में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी काउंट किया जाता है ना, तो ये केवल इंटेंसिटी काउंट कर रहा है, मीन्स ये टोटल इसका इंटेंसिटी कितना होगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगा रहा है, ठीक है, नहीं सर वो ठीक है सर, लेकिन वो जो L उसमें छोटा डिस्टेंस के लिए निकाले हैं, लेकिन उसमें L पूरा लंबा डिस्टेंस लिया है, ठीक है, मैं इसको देखूंगा, ठीक है, मैं इसको देख के बताऊंगा, उसके बाद तुम्हारा इंटेंसिटी टोटल, ये इंटेंसिटी इनटू x बाय 3, ये 3 क्यों लिया, तुम अभी जानते ही हो क्यों लिया है, यस सर, इंटेंसिटी के लिए सर, हां h बाय 3 या फिर 2h बाय 3, तो ये लिया है h बाय 3 के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर वेरी करा दिया है, तो वेरी करा दिया है, तो ये तो जान ही रहे हो कितना मैक्सिमम आ जाएगा, मीन्स एक्स जगह एल भी रखेंगे और एक्स जगह जीरो रखेंगे, तो जीरो रखें तो बेंडिंग मोमेंट बी पर आ गया, और एल रखें तो कितना पर आ गया हमारा, एम ए पर आ गया, ठीक है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ से हमारा काउंट हो गया, इतना आ गया, अच्छा इसको अमित तुम ध्यान दिलाना हमको, ठीक है, यस सर, हाँ इसको ध्यान दिलाना, इसको हम बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल कैरिंग ए मोमेंट एट फ्री एंड, अगर फ्री एंड पे हमारा मोमेंट लग रहा है कोई, ठीक है, तो उसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे देखेंगे, अच्छा शियर फ्री एंड पे अगर कहीं मोमेंट लगा हुआ है तो उसमें शियर फोर्स जनरेट नहीं होता है, शियर फोर्स कब जनरेट होता है, जब कोई इंक्लाइंड लोडिंग हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोडिंग हो या अपवर्ड डायरेक्शन में लोडिंग हो, तब वहां पे शियर फोर्स जनरेट होता है, अदरवाइज शियर फोर्स जनरेट नहीं होगा, ओके, हेलो, यस, तब जाके शियर फोर्स जनरेट होगा, अगर अदरवाइज नहीं होगा, तो शियर फोर्स इस कंडीशन में कितना होगा, इस कंडीशन में तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका शियर फोर्स ही नहीं, ठीक है, इसका शियर फोर्स कुछ भी नहीं है, ये जीरो हो जाएगा इसका शियर फोर्स, ठीक है, तो कहीं पर भी इसको वैरी कराओ तो जीरो ही रहेगा, बी टू ए यहाँ पे जीरो ही रहेगा, बट अगर मैं यहाँ पे देखूं, सॉरी ये कौन सा है, ये कोई दूसरा आ गया क्या, नहीं सर वही बोल रहा, एक मिनट, ये दूसरा आ गया था बाबू, देखो मैं मिडिल पे बेंडिंग मोमेंट चला गया था, ठीक है, यहाँ पे दूसरा देखना था, वही मैं देख रहा था कि दूसरा कैसे आ गया, ठीक है,
यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट तुम्हारा टोटल जीरो हो जाएगा, एंड सॉरी शियर फोर्स जीरो रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी भी लोडिंग होता है तभी शियर फोर्स होता है, अदरवाइज शियर फोर्स नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई लोडिंग होगा तभी शियर फोर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर बेंडिंग मोमेंट हम लोग देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट अगर एक एंड पे बेंड हो रहा है, मीन्स मोमेंट लग रहा है, तो कहां तक एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा तुम्हारा एंड पॉइंट तक। एंड पॉइंट पे हम लोग जानते ही हैं कि मोमेंट लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में देखो यहाँ पे मोमेंट लग ही रहा है, तो यही मोमेंट अगर इसको अपोज करने के लिए क्या है, एंड पे भी लग गया, तो एंड पे लग गया तो मीन्स ये टोटल क्रॉस सेक्शन पे तुम्हारा सेम मोमेंट लगेगा। ठीक है, और ये नेगेटिव रहेगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये आया समझ में? यस सर। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो सी पॉइंट पे एक मोमेंट लगने लगा था, यहाँ पर ये इस पे हम लोग पहुंच गए थे, ये सी पॉइंट पे मोमेंट लगने लगा है इसलिए इस पे पहुंच गए थे। ये सी पॉइंट है, एक कोई सी पॉइंट है उस पे मोमेंट लगा। अच्छा, तुम लोग का मीटिंग एंड हो रहा है तो एक बार और ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये लैब का क्लास ले रहा हूँ तुम लोग का। ठीक है, तो ये लैब का क्लास चल रहा है इसलिए एक बार फिर से ज्वाइन करना होगा। अच्छा, मीटिंग एंड करके मैं फिर से ज्वाइन कर दूं क्या तुम लोग को? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, ज्वाइन कर लो एक बार फिर से। ठीक है, क्योंकि मीटिंग अभी खत्म हो गया है, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो।